नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ एक मनीष शर्मा। चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन का निधन हो गया है। राज्यपाल लालजी टंडन ने लखनऊ के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि लालजी टंडन लीवर और किडनी में इन्फेक्शन था। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। एक बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने आखिरी सांस ली लखनऊ के मेदांता अस्पताल में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो पूर्व राज्यपाल कप्तान लालजी टंडन एक भारतीय वरिष्ठ नागरिक और वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी थे। लखनऊ से 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहने वाले लालजी टंडन प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्री भी रहे। इसके अलावा लालजी टंडन अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी भी रहे। वाजपेयी के चुनाव क्षेत्र लखनऊ की कमान लालजी टंडन ने ही संभाली थी। अगस्त साल 2018 में उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। इसके अलावा 20 जुलाई साल 2019 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन नियुक्त किए गए थे। एक दुखद खबर, लालजी टंडन ने आखिरी सांस ली लखनऊ के मेदांता अस्पताल में। लीवर और किडनी के इन्फेक्शन था उनके लीवर और किडनी में और आज उनकी निधन हो गया। तो बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने आखिरी सांस ली लखनऊ के मेदांता अस्पताल में। उनके बेटे ने जानकारी दी, इस बात की ट्वीट कर जानकारी दी। लालजी टंडन राजनीति में काफी सक्रिय रहे हैं। बिहार का राज्यपाल भी उन्हें बनाया गया था।